हाय माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई विश यू विल फाइंड इन योर होम टुडे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिनोनिम और एंटोनिम क्लास रिलेटेड टू द लेटेस्ट पैटर्न एंड बेस्ड ऑन द हिंदू न्यूज़पेपर। ये लिखा हुआ है बैंक, एसएससी, यूपीएससी, अदर्स एग्जाम सभी में काम करेगा, यहाँ तक एकेडमिक में भी काम करेगा, क्योंकि क्या है, वर्ड मीनिंग है। और जो टेलीग्राम का जो चैनल का नंबर लिखा हुआ है वही है 8789509272। और जो चैनल का नेम है कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करवाएं अपने मित्र से, ताकि क्या हो, हम जल्द से जल्द क्या हो सके, आपसे लाइव बात कर सकें और पढ़ा सकें, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इससे पहले पेन लेते हैं। आज का जो मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग है, असवेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? असवेज लिखा हुआ है। ये क्या है? अपने आप में वर्ब है। इसका हिंदी होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना या कम करना। इसका एंटोनिम इसका साइनोनिम देखा जाए, सिनोनिम तक पहला लिखा हुआ है एलिवेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एलिवेट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा अले लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अले लिखा हुआ है। आया क्या लिखा हुआ है? इज लिखा हुआ है। और इसके यहाँ क्या लिखा हुआ है? सुथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुथ लिखा हुआ है। इसी तरह से आगे देखा जाए, जैसे इस तरह से आगे देखा जाए, क्या लिखा हुआ था? सुथ लिखा था, आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टोन डाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? टोन डाउन। और आगे लिखा हुआ है एसेंट्यूट लिखा हुआ है। क्या है? लिखा हुआ है एसेंट्यूट। इसी तरह से एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है एग्रेवेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एग्रेवेट लिखा हुआ है। इंटेंसिफाई लिखा हुआ है। एगिटेट लिखा हुआ है। और आया क्या लिखा हुआ है? एक्सर बेट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? एक्सर बेट लिखा हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा हुआ है हीज रिप्लाई डिड लिटिल टू असवेज माई सस्पिशंस लिखा हुआ है। तो पहले तो ये देखेंगे रिप्लाई के हिंदी क्या होता है, जवाब। जवाब होता है ही। तो क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप जानते होंगे कि क्या है ही का पॉजेसिव क्या होता है, ही जो होता है, आप जानते होंगे भली भांति। ही जब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। किसका है? ही का है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ही जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है तो अपने बगल में नाउन ले सकता है, इसलिए एक रूल में होता है एडजेक्टिव अपने बगल में नाउन को ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि एडजेक्टिव है तो ये लिख लेता हूँ, ये तो आर्टिकल आ गया, ये गुड बॉय, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? नाउन के पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं डीड है। डीड वी टू में है, इसका फुल फॉर्म होता है डू होता है, डीड होता है, डन होता है, वी फॉर डूइंग होता है, वी फाइव क्या होता है? डज होता है। लेकिन जो डीड आया है ना, डीड के मतलब क्या होता है? करना होता है। डीड का हिंदी क्या होता है? करना क्या है। आगे देखेंगे लिटिल की बात होगा। देखेंगे अब लिटिल निगेटिव सेंस में है बाबू। लिटिल का तीन प्रयोग होता है, एक तो लिटिल होता है और एक फ्यू होता है। तो कभी आएगा तो फ्यू के बारे में चर्चा करेंगे, अभी तो लिटिल के बारे में चर्चा करता रहा हूँ आपको, देख लेंगे लिटिल का चर्चा कर लेंगे। अगर बिना लिटिल में तो छोटा होता है, क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन अगर लिटिल सिर्फ आया कहीं भी तो इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव हो गया। माने कि निगेटिव हो गया कि मतलब क्या हो गया? नौ के बराबर, नौ के बराबर, क्योंकि लिटिल में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपके साथ दे दे ए लिटिल दे दे, ए लिटिल दे दे या द लिटिल दे दे, द लिटिल दे दे, तो ये दोनों ए लिटिल होता है द लिटिल। ए लिटिल मतलब कुछ होता है या थोड़ा कहिए, द लिटिल में भी थोड़ा या कुछ कहिए, ये दोनों में खास अंतर नहीं है। लेकिन अंतर तब होगा ए लिटिल में जब निश्चित बनाएगा तो द लगा देगा, ठीक है, और जब अनिश्चित रहेगा तो वहाँ पे ए लग जाएगा, बस इतना का फर्क रहेगा। और अपने आप में क्या होता है, इसका प्रयोग अनकंटेबल के लिटिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिन है आगे टू माने भी होता है, जो कि प्रीपोजिशन है। ये लिखा हुआ है असवेज लिखा हुआ है, इसका तो मीनिंग लिखा ऊपर है। टू प्लस वी वन अपने आप में क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है? आई एन एफ आई एन आई टी आई वी इन्फिनिटिव है।
माई माने मेरा, ये भी पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है। सस्पिशन क्या लिखा है, सस्पिशंस, सस्पिशन में क्या होता है, दुविधा कह सकते हैं, दुविधा, सस्पिशंस में ना कहते हैं कि मैं दुविधा में हूँ। तो इसका देखते हैं क्या होगा, ही रिप्लाई डिड लिटिल टू असवेज माई सस्पिशंस, उसकी जो जवाब था ना डिड लिटिल ना बराबर रहा, जो उसकी जो जवाब था मेरी जो सस्पिशन के लिए क्या क्या है, जो शांत किया, कम किया, ना बराबर किया, मतलब कि उसकी जवाब है ना, उसकी जवाब मेरे संदेह को क्या किया, थोड़ा सा भी कम नहीं किया है, मतलब कहने का मतलब हो गया, कोई आपको समझाया लेकिन उसकी बात को हमें समझ में नहीं आया है, इसलिए स्पष्ट कर रहा है कि हिज रिप्लाई, उसकी जो रिप्लाई था मेरी दुविधा को कम नहीं किया। अब यहाँ पे नोट नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्या करता है, लिटिल का मतलब होता है नोट के बराबर, क्योंकि अगर नहीं आएगा आर्टिकल आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंस देगा, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं होगा पहला बनाने में, समझने में। आप इसी तरह से कंटिन्यू क्लास करते रहें, जितना भी क्लास इस पर चलाया जा रहा है हमारे चैनल पर, आप इसको लगातार करते रहिए और साथ ही साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करवाएं अपने फ्रेंड से, ताकि सबको बेहतर हो मिले। अगला लिखा हुआ है इम्पिंज है, क्या है, इम्पिंज है जो कि क्या भर्ब है, इसका हिंदी होता है प्रभाव डालना, क्या होता है प्रभाव डालना। सिनोनिम देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट। इसे से एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है अवॉइड, लीव एलोन, एक ही साथ है लीव एलोन, एक ही साथ है, फिर लिखा हुआ है सुन लिखा हुआ है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेवरल फैक्टर्स इम्पिंज ऑन मार्केट इफिशियंसी। तो कहता है सेवरल में देखेंगे, सेवरल के मतलब क्या होता है, सेवरल की एक बात और जानेंगे, सेवरल के साथ हमेशा क्या होता है, नाउन का इस्तेमाल प्लुरल होता है, जैसा सेवरल बॉयज, सेवरल बॉयज हैव गॉन देयर, या सेवरल बॉयज आर डूइंग माई वर्क, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा सेवरल बॉयज हैज गॉन देयर, मतलब क्या है, बहुत से लड़के वहाँ जा चुके हैं या बहुत लड़के क्या मेरा काम कर रहे हैं, तो सेवरल का मतलब क्या हो गया, बहुत हो गया, सेवरल का मतलब क्या हो गया, बहुत हो गया। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, कौड़ी, मैंने ऐसा मैंने क्या रहा, सेवरल फैक्टर रहा, मैंने कारण रहा, फैक्टर मैंने कारण भी कह सकते हैं। अब इम्पिंज तो लिखा हुआ है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, मार्केट है, मार्केट में क्या बाजार जानते होंगे, इफिशियंसी एक होता है डिफिशियंसी, उसका मतलब कमी होता है, इफिशियंसी मैंने क्षमता की बात कर रहा है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा इसका, कैपेसिटी हो गया, जैसे होता ना आई एम इफिशियंसी टू डू दिस वर्क, मैं क्या करता हूँ, इस काम की क्षमता रखता हूँ करने का, नो डाउट। तो इसका हिंदी देखेंगे क्या होगा, सेवरल फैक्टर्स इम्पिंज, कई कारण है जो प्रभावित किया है ऑन मार्केट इफिशियंसी, कह रहे हैं कि कई ऐसा कारण रहा है जो मार्केट का जो क्षमता है, जो मार्केट में जो होनी चाहिए था उसकी क्षमता क्या किया है, प्रभावित किया है, ऐसा कई कारण है, लेकिन कारण को मेंशन नहीं किया है, लेकिन बता रहे कई कारण ऐसा है, आपको समझ में आ रहा होगा, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करेंगे, और आप मेरा मेन उद्देश्य आप सीखिए। अब अगला है, आप सोचेंगे कि सर तो बार बार अपने ही फायदे की बात करते हैं, मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ मित्र, मैं आपकी फायदे की बात करता हूँ ओनली, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या हो, सब्सक्रिप्शन होगा ज़्यादा तो क्या होगा, लाइव कराएंगे तो आपकी और सुविधा होगा, मैं ऐसा नहीं कहूँ, अगर जब मैं लाइव आने लगूँगा तो इस बात को कहना ही भूल जाऊँगा कि आप सब्सक्रिप्शन कीजिए, लाइक कराइए, हम सीधा डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा बस। देखिए पर्सनली मैं अपने क्लास में अपने मुँह से नहीं बोलूँगा इस शब्द को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कहना ना बार बार, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ तो सोचेंगे सर अपनी ही बात में बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, अभी तो सर कंपल्शन है, इट इज़ माय कंपल्शन, सो आई टेल यू या सेवल टाइम आई टेल यू, सब्सक्राइब शेयर नेवर फॉरगेट, सब मैं कह रहा हूँ, लेकिन आगे चल के ऐसा मैं नहीं कहूँगा, डेट्स माई प्रॉमिस टू यू। आगे देखते हैं आज का जो मीनिंग थर्ड है क्या है, कॉन्सीड है जो कि वर्ब है, इसका हिंदी होता है स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्ट कर लेना। तो इसे देखा जाए इसका सिनोनिम क्या है, एक नॉलेज है, एडमिट है और शेड है। इसे इसका देखा जाए एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ डिनाई लिखा हुआ है, रिजेक्ट लिखा हुआ है, रिफ्यूज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल देखते हैं, ही रिलक्टेंटली कंसीडेड मी द पॉइंट,
ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी टू में आ गया बात, यहाँ पे भी टू है, लेकिन है तो भी टू, लेकिन यहाँ पे अभी हम एडजेक्टिव कह देंगे इसको बाबू, सीधे सीधे कोई भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिलेक्टेंट जो है क्या है, एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दिया है तो एडवर्ब हो गया। तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, ठीक है, रूल है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। लेकिन रिलेक्टेंटली मैंने होता है अनिच्छा लिख दीजिए, अनिच्छा, कोई काम अनिच्छा से हो रहा है, मैंने इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती हुई है। फिर कर मी, मैंने मुझे द लगा दिया, क्योंकि नीचे पॉइंट वाले बिंदु, पॉइंट वाले बिंदु या कोई कारण भी कहते, पॉइंट इस कारण से ऐसा हुआ पॉइंट से। तो कह रहा है ही रिलेक्टेंटली कंसीडर, वह जान बुझ के क्या किया, स्वीकार किया है मी द पॉइंट। इस बात को क्या किया है, रिलेक्टेंटली, मैंने क्या किया है, अनिच्छा से स्वीकार किया, मैंने स्वीकार करने का मन नहीं था, लेकिन क्या किया, रिलेक्टेंटली भी क्या किया, इस बात को मान लिया है, मैंने हुआ ना चाहते हुए इसे करना पड़ा। फोटो का ऊपर करता हूँ और आज कोटेशन पर देख लेता हूँ, पहले नीचे से करता हूँ, सब दिखेगा आपको नीचे से। लिखा हुआ है कोटेशन, फोकस ऑन द जर्नी, क्या लिखा हुआ, फोकस ऑन द जर्नी कॉमा नोट द डेस्टिनेशन फुल स्टॉप, जॉय इज फाउंड नोट इन फिनिशिंग एन एक्टिविटी बट इन डूइंग इट। पेन ले लेता हूँ। फोकस मतलब क्या होता है, लक्ष्य, फोकस करना, मतलब क्या, ध्यान लगाना, ध्यान देना कोई बातों पर, फोकस करना, ध्यान अगर ध्यान कर देता हूँ, फोकस ऑन में हो गया, ठीक है। जर्नी माने यात्रा हो गया, द लगा दिया, नीचे बना रहा है, नोट है, कॉमा का नोट लगाया, कोई दिक्कत है, द तो नीचे बना रहा है। डेस्टिनेशन माने क्या होता है ना, फिर मिटा देता हूँ, डेस्टिनेशन माने लक्ष्य, टारगेट, व्हाट्स कहा जाता है ना कि व्हाट्स योर डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य क्या है, तो हमेशा आता है कि व्हाट्स योर डेस्टिनेशन या व्हाट्स योर गोल, तो यहाँ डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन लक्ष्य हो गया। जॉय मैंने खुशी, अब जॉय क्या किया है, इज लिया है क्योंकि सिंगुलर है, तो जॉय क्या है ना कि वर्ब और नाउन दोनों, तो यहाँ पे नाउन के रूप में है जॉय। अब क्या फाउंड कर रहा है, आपको बार बार मैं बताते जा रहा हूँ, हर एक क्लास में आकर मैं आपको बारीकी से करूँगा, क्योंकि आपको एक बात कहते थे समझ में आ जाए, इज एम आर प्लस वर्ब थ्री पैसिव हो गया, जॉय इज फाउंड, नोट किया है इन। अब देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फोर होता है, अगर वर्ब है तो टू को छोड़कर, मतलब कि प्रीपोजिशन प्लस भी फोर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एन एक्टिविटी, एक्टिविटी मैंने क्या होगा, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप हो गया। फाउंड मैंने तो फाइंड में था तो पाना था, इसका नहीं मीनिंग लिखे थे। बाकी फिनिशिंग मैंने समाप्त करना, क्या हो जाएगा, समाप्त करना। डूइंग मैंने करना, इट मैंने यह, तो ग्रामेटिकली भी हो गया, हमको देख लिया, चलेंगे, भरफोर हो गया, इनके बाद डूइंग था, भरफोर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि दो दो आ गया, भरफोर आ गया, एक दो आ गया, इन डूइंग कर दिया था। अब इसका प्यार से हिंदी समझेंगे क्या कर रहा है, आज की कोटेशन है, इंस्पिरेशनल है, फोकस ऑन द जर्नी, हमें क्या करना चाहिए, अपने यात्रा पर फोकस करने के बाद जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, जाना जरूरी होता है, वही कह रहा है फोकस ऑन द जर्नी, जर्नी पर क्या कर, हमेशा फोकस करते रहे, केंद्रित कर रहे हैं कि हम किस वे में जा रहे हैं, नोट द डेस्टिनेशन, लक्ष्य पर नहीं करिए, बस जर्नी पर कीजिए, जो सफ़र है ना उस पर ध्यान रखिए, जर्नी डेस्टिनेशन लक्ष्य पर नहीं, क्योंकि अगर आपका जर्नी ठीक रहेगा ना तो डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, नो डाउट। आई कहता जॉय इज फाउंड, खुशियाँ को मिला है, पाया है, नोट इन द फिनिशिंग एक्टिविटी, नहीं अपने समाप्त करते हुए कार्यों को, बट इन डूइंग इट, मतलब कह रहा है कि अगर आप जर्नी पे फोकस करते हैं तो आपको डेस्टिनेशन मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ क्या कर रहा है कि खुशियाँ भी मिलेगा, जब अपने काम को करेंगे तो खुशियाँ ही मिलेगा। अर्थात कहा, पूरी का क्या है कि हमेशा अपने जर्नी पर फोकस बनाए रखें, डेस्टिनेशन पर नहीं, क्योंकि अगर आपका फोकस और जर्नी ठीक है तो डेस्टिनेशन मिलेगा ही मिलेगा, बस। तो इस तरह से आज का क्लास ख़त्म होता है सीनियंटो का, बाद में जो भी क्लास होगा देखा जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें, थैंक्स टू वॉच दिस सेशन।